हिमाचल प्रदेश में हर साल 3,500 से 4,000 लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। हार्ट अटैक का कारण गलत खानपान, कम शारीरिक गतिविधियां, धूम्रपान मुख्य रूप से है। इसके अलावा बढ़ती उम्र भी एक कारण है। हार्ट अटैक होने पर हिमाचल में 100 में से 10 से 15 लोगों की मृत्यु हो रही है, जिन्हें बचाया जा सकता है, लेकिन लोग हार्ट अटैक के लक्षणों को ना पहचानने के कारण अस्पताल देरी से पहुंचते हैं, जिसके कारण मरीज को इलाज ना मिलने से मौत हो जाती है। हार्ट अटैक के कई सारे वजह हैं, जैसे मैंने बताया था कि एक तो बढ़ती उम्र एक हार्ट अटैक का मेजर कारण है, और धूम्रपान का सेवन ज़्यादा करना हार्ट अटैक का कारण है, कम चलना हार्ट अटैक का मेजर कारण है, मोटापा भी एक कारण है, और अनहेल्दी फूड का सेवन करना भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है, और जिन लोगों को मधुमेह की बीमारी हो, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर हो, या कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो, जिनमें स्ट्रेस ज़्यादा हो, जिनमें फैमिली हिस्ट्री हो, यंग एज के अंदर फैमिली के अंदर पेरेंट्स को कम ओवर में हार्ट अटैक हुआ हो, तो इस तरह के लोग हैं जहाँ पे हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिम्टम्स, हार्ट अटैक के जो लक्षण के बारे में जागरूकता जनमानस के अंदर बहुत कम है, और हमने देखा है कि इसी के चलते लोग इन सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं और हॉस्पिटल के अंदर देरी से पहुँचते हैं, और हार्ट अटैक के अंदर टाइमली हॉस्पिटल में पहुँचता है, विद इन 1 to 2 आवर्स अगर पहुँच जाए तो मरीज़ को हम कोई इस बीमारी की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से जो डेथ हो सकती है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। रही बात लक्षण की, सबसे कॉमन लक्षण होता है सीने में दर्द, और ये दर्द कई बार बाजों में जाती है, दोनों बाजों में भी जा सकती है, बाएं बाजू भी जा सकती है, और कई बार ये जबड़े में जाती है या नेक में जाती है, कंधों में जा सकती है, कई बार सीने में दर्द के साथ साथ उल्टियाँ होती है, चक्कर आ सकते हैं, कुछ मरीज़ों को सडनली एक्सट्रीम वीकनेस का एहसास होता है, बैठ के उठते हुए आँखों के आगे अंधेरा छा जाना, और कईयों को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और चलने से और बढ़ सकती है, या कई लोगों को ठंडे पसीने आते हैं। तो ये जो लक्षण का समूह है, अगर किसी व्यक्ति में अगर हो तो समझ लेना चाहिए कि उसको हार्ट अटैक है। हमने शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर हार्ट अटैक प्रोग्राम पिछले 2 साल से चलाया हुआ है, और इसमें हमारे साथ कोई 20 हॉस्पिटल लिंक्ड हैं। ये हॉस्पिटल है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, सिविल हॉस्पिटल्स और DDO हॉस्पिटल। जब भी मरीज़ किसी भी ब्लॉक का अपने ब्लॉक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या वहाँ नज़दीकी सिविल हॉस्पिटल में जाता है, तो वहाँ के जो डॉक्टर है इमरजेंसी में जो ड्यूटी देते हैं, वो इन मरीज़ों को की आंकलन करते हैं, उनका ECG करते हैं, और हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसमें हमारे जो डिपार्टमेंट के जितने भी कार्डियोलॉजी फैकल्टी मेंबर्स है, वो हमारे DM स्टूडेंट्स है, वो सारे इस व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर हैं। 24 आवर्स राउंड द क्लॉक जब भी कोई ऐसा कोई रिक्वेस्ट आता है पेरिफेरी से व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, हमें से कोई भी जब उपलब्ध रहता है तो उसको हम जांचते हैं, देखते हैं, अगर हमें लगता है कि इसको हार्ट अटैक, तो हम उनको गाइड करते हैं कि इसको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, इसको इंजेक्शन की ज़रूरत है, तो वहीं पे तुरंत इंजेक्शन मिल जाता है। तो हिमाचल की बात करें तो हार्ट अटैक के मरीज लगभग 3,500 से 4,000 व्यक्ति को हर साल हार्ट अटैक हो रहा है, और हिमाचल की बात करें तो ये जो लाइफ सेविंग इंजेक्शन है सिर्फ 30% लोगों को ही मिल रहा है, और अगर हम हिमाचल की बात करें तो लगभग 100 में से 10 मरीज़ों की मौत हो रही है हार्ट अटैक के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा वो हैं, और ये प्रिवेंटेबल डेथ से, और ये हम तभी प्रिवेंट कर सकते हैं हम पेरिफेरल हॉस्पिटल्स को स्ट्रेंथन करें और टेलीमेडिसिन के माध्यम से मेडिकल कॉलेजों के साथ ये लिंक हो, और ताकि वहाँ पर जो मरीज़ जाता है वहीं पर उसका निदान हो, वहीं इलाज हो, और जो टाइम अदरवाइज ट्रांसपोर्टेशन में ज़ाया होता था उसको हम कम कर सकते हैं, और इस तरह से जो थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्लॉट डिजॉल्विंग एजेंट, ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों में हम दे सकते हैं, और इसका फायदा ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों में हो सकता है। उज्जवल हिमाचल के लिए ब्यूरो शिमला, हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स।